मुरादाबाद जिले में रामलीला का आयोजन किया गया था, जहां पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम के द्वारा पहुंचकर दुकानों पर कार्यवाही की बात की गई थी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के नगर विधानसभा से विधायक रितेश गुप्ता को मामले की जानकारी दी थी। जानकारी मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक रितेश गुप्ता मौके पर पहुंचे हैं और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों और अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए वहीं बैठ गए हैं। मौके पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा ये कहा गया कि अधिकारियों को यहीं बुलाइए, जिसके बाद एमडीए के सचिव मौके पर पहुंची है। एमडीए के सचिव के द्वारा बताया गया है, इस रामलीला के द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से एनओसी नहीं ली गई थी। जिस एनओसी को लेने को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा पूरे मामले में लोगों से कहा गया था कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से एनओसी लेने, जिस पर काफी देर तक विधायक के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई है। आप भी देखिए मुरादाबाद नगर विधायक के द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा है। यहाँ पे होगा, ठीक है, ये नाटक मत करो, यहाँ पे आके जाओ, यहाँ से बिल्कुल सीधा जाओ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। सचिव मैडम दिमाग खराब है सचिव का तुम्हारी, वो बदतमीज से बात कर रही है और परेशान कर रही है बहुत ज्यादा, उसको बात करने बुलाओ सचिव को, यहाँ पे दिमाग खराब हो गया बिल्कुल। आज ध्यान रावण का हिंदुओं का द्वार खराब करोगे, अब कौन सी आप बताइए, अगर परमिशन प्रशासन की परमिशन है, अगर एमडीएस नहीं लिए कौन आप बताइए, जमीन उठा के ले जाएगा तुम्हारी, इतनी हिम्मत हो रही है सब लोगों की। मैं तो आजाद के लिए रिक्वेस्ट की, टाइम से आजाद के लिए हमें छोड़ा दो, ये आजाद के लिए चलिए यहाँ से, हम रुपए बिल्कुल, और जिसको भेजना भेजो, क्या विधायक जी बैठे मौके पे, हटाओ जिसको हटवानी रामलीला यहाँ से, दिमाग खराब हो गया बिल्कुल। हेलो रामलीला नहीं होने दोगे तुम लोग, ये विधायक जी आए हैं यहाँ पे, ये लोग हटवा रहे थे फिर एमडीए वाले, विधायक जी यहीं पे मौके पे बुलाओ, तो सेक्रेटरी को यहाँ पे बुलाओ, अपने मिनिस्ट्री को यहाँ बुलाओ, दिमाग खराब हो गया सब लोगों का, दिमाग खराब हो गया। नहीं बात करने के बाद मैंने कह दिया वीसी को, उसके पास टीम खड़ी है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अभी भेजे जिसको भेजना है यहाँ बैठवाने के लिए, रामलीला हटवाएंगे ये लोग, माहौल खराब करना चाहते हैं शहर का, क्या चाहते हैं लोग, ऑफिस में बैठ और आदेश करते हैं यहाँ पे आके। अरे मेरे लेवल का तो मसला है ना, ये क्या मतलब है नहीं, गुंडों को चलाने की धमकी दे रहे हैं, दुकानदारों को हटा रहे हैं, आप तो रामलीला को ही रोकेगा, योजना में पिछले 14 साल से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, इस साल भी प्रशासन से परमिशन लेके यहाँ पे रामलीला आयोजित की जा रही है, और 6 तारीख को भूमि पूजन हुआ, जब से लगातार यहाँ पे रामलीला की गतिविधियाँ चल रही हैं, आज अचानक मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम आती है और रामलीला यहाँ से हटाने के लिए कहती है और बुलडोजर चलाने की धमकी देती है। एई और जेई यहाँ पे मौजूद थे, मेरे को सूचना हुई तो मैंने वीसी साहब से बात करी, आज रामलीला का आखिरी दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम इसकी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम रामलीला को हटाने के लिए अड़ी थी, मैंने आके उन लोगों को यहाँ से हटाया है, रामलीला यहाँ पे होगी, हमारे पास ऑफिशियल परमिशन है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के जेई ने आके रामलीला की कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे बदतमीजी करी है, गाली गलौज करी है, उनको धमकाया है, तो हम इसके खिलाफ थाने में तहरीर भी देंगे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के खिलाफ, और जो अन्याय उनके द्वारा किया जा रहा है इसको सहन नहीं करेंगे। इस पूरे मामले में मुरादाबाद की विकास प्राधिकरण की सचिव के द्वारा मामले में जानकारी देते हुए बताया गया, रामलीला रोकने का एलिगेशन लगाया है नहीं, प्राधिकरण ने रामलीला नहीं रोकी है, बात तो ये है कि मतलब ये प्राधिकरण की सह्याद्री योजना के अंतर्गत ये जमीन है, यहाँ पर कमर्शियल भूखंड प्लान है ऑलरेडी, पिछली बार भी जो आयोजक हैं अजय दिवाकर जी, उन्होंने प्राधिकरण से एनओसी ली थी रामलीला आयोजन से पहले, ठीक है, 10 दिन की परमिशन विधायक ने दी, सॉरी 10 दिन की परमिशन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने दी थी इनको, इस बार इन्होंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से कोई अनापत्ति प्राप्त नहीं की है, और जिला प्रशासन से इन्होंने एक एनओसी प्राप्त जो परमिशन होती है वो प्राप्त करके यहाँ पर इनके द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा था,
तो जब ये संज्ञान में आया तो केवल इनसे पूछताछ की गई कि भाई आपने प्राधिकरण से अनापत्ति क्यों नहीं प्राप्त की। इस बात पे मतलब आयोजक लगातार थे कि नहीं साहब, मतलब हम तो जिला प्रशासन से ली गई है तो हम करेंगे। प्राधिकरण का केवल ऑब्जेक्शन ये था कि भाई आप हमारी योजना में अगर कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं तो हमसे अनापत्ति अवश्य ले लीजिए। मुरादाबाद जनपद में सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नगर विधानसभा से विधायक रितेश गुप्ता के द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों से काफी नाराजगी जाहिर की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।